शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आलू के छिलके अगर आंखों पर लगा लिए जाएं तो ये आंखों के नीचे स्याह हलकों को ख़त्म करते हैं। आंखों और कानों पर रोज़ाना जैतून का तेल लगाकर सो जाओ, बुढ़ापे में भी कान ख़राब नहीं होंगे और ना ही आंखें ख़राब होंगी। जो लोग इसबगोल का छिलका दूध में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, इनका दिल बहुत ताकतवर रहता है। रोज़ाना नहार में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से मैदा बिल्कुल ठीक रहता है, चेहरे की जिल्द निखर जाती है और दांत मजबूत होते हैं। जो लोग दिल के मरीज़ हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दिल की नसों को मजबूत करती हैं और दिल की तमाम बीमारियों से बचाती हैं। गर्मियों में ज़्यादा लस्सी इस्तेमाल करने से जिस्म की गर्मी दूर हो जाती है और ये मैदे को ठंडक पहुँचाती है। ज़्यादा पानी पीना खाने को जल्दी हजम करता है, अकल को बढ़ाता है और गुस्से को ठंडा करता है। मेथी दाना इस्तेमाल करने से बलगम और सीने की तकलीफ ख़त्म हो जाती है और सांस बहाल रहता है। खजूर के दाने खा लेने से ज़िंदगी भर मैदे का कैंसर नहीं होता और बुढ़ापा देर से आता है। पेट में गैस या कब्ज़ हो जाए तो नहार में नींबू का पानी पीने से पेट की गैस भी ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ भी दूर हो जाती है। नाश्ते में अंडे खाने से जिस्मानी ताकत और तवानाई में इजाफा होता है। इंसानी जिस्म दिन भर चुस्त रहता है। नारियल का तेल और प्याज का रस हम वज़न लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में 2 मरतबा बालों में लगाएं। आपके बाल घने और स्याह हो जाएंगे। घुटनों का दर्द और शुगर कम करने के लिए सोने से पहले अंजीर खा लिया करो, 90 साल तक ये मसला नहीं होगा। मेहंदी नीम गर्म पानी में घोलो, फिर इसमें थोड़ा सा दही, 1 अंडे की जर्दी, 3-4 पीसी हुई लौंग और थोड़ी सी पीसी हुई कलवंजी मिला दें। बालों में 2-3 घंटों तक लगा कर रखें और फिर बाल धो लें। इस तरह आपके बाल काले भी हो जाएंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। अगर पलकों पर रोज़ाना खालस जैतून लगाया जाए तो पलकों के बाल बहुत घने हो जाते हैं। बदन में खून की रवानी बेहतर करनी है तो दालचीनी को शक्कर के साथ खाना चाहिए। इससे बदन में खून की रवानी बेहतर होती है और नया खून बनता है। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डुबोकर खाने से दिमाग तेज़ होता है और दिमाग की नसें खुल जाती हैं और दिमाग तंदुरुस्त तवाना रहता है। गुलाब के फूल चेहरे पर मल देने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चेहरा निखर जाता है। 6 दाने खजूर के नहार में इलायची वाले दूध के साथ खा लिया करो। बुढ़ापे में भी जिस्म, जोड़ और टांगें बच्चों जैसी फर्तीली रहेंगी। अगर आपको शदीद खांसी और बलगम आती है तो ऐसी सूरत में खसखस लेकर खाकर सोने से पहले अच्छी तरह चबाएं। ये बलगम ख़त्म करने में काफ़ी मदद देता है और खांसी को ख़त्म करता है। सफ़ेद ज़ीरा खाने से आंखों की रोशनी में इजाफा होता है और बुनाई तेज़ होती है। और चंद खजूरें गुठली समेत जलाएं और इसका सफ़ूफ बर्स के दागों पर लगाएं और चंद दिन तक ये अमल करें, इंशाल्लाह बर्स के दाग भी ख़त्म हो जाएंगे। दांतों पर नींबू का रस लगाने से दांत साफ हो जाते हैं और मजबूत भी होते हैं। ब्रश पर सरसों का तेल और नींबू का रस लगाकर दांतों पर ब्रश करने से दांत चमकने लगते हैं। जिस्म के जले हुए हिस्से पर प्याज के रस में नमक मिलाकर लगाने से आराम आता है और जले हुए हिस्से पर दाग भी नहीं बनते। इसके अलावा जली हुई जिल्द पर सरसों का तेल और नमक लगाने से छाले नहीं पड़ते। जली हुई जगह पर शहद लगाने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। जली हुई जगह पर कपड़ों में डालने वाला नील लगाने से ठंडक पड़ जाती है। थोड़ा सा आंवला और थोड़ा सा सिकाकाई मिलाकर रात को कच्चे दूध में भिगो दें और सुबह सर पर अच्छी तरह से लगाएं। खुश्की होने के बाद सर को अच्छी तरह से धो लें। इस तरह आपके बाल घने, मजबूत और काले हो जाएंगे। अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं तो खाने के बाद अखरोट का इस्तेमाल करें और ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने तक जारी रखें। इंशाल्लाह आपके बाल काले हो जाएंगे। बकरी का दूध पी लेने से बाल लंबे हो जाते हैं और बेर खाने से खून साफ हो जाता है, नया खून बनता है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, बहुत से दिलों को सुकून आ जाएगा। गुड़ वाली चाय पी लेने से दिमाग तेज़ होता है और शुगर के मरीज़ गुड़ वाली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन में अगर 2 चुटकी सौंफ शामिल कर दी जाए तो खाना खुशबूदार हो जाता है और खाने का जायका भी बढ़ जाता है। इन लोगों के घरों में हमेशा परेशानियां रहती हैं जो किसी से हसद करते हैं। नाव में बिला नागा थोड़ा सा तेल लगाएं और साथ रात को सोते वक्त पाँव के अंगूठे और उंगली के दरमियान भी तेल लगाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ अरसा मुश्किल मजाजी से ये टोटका आजमाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर अरसा इस्तेमाल करें। चेहरे का रंग निखर जाएगा और दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। अनार का ताज़ा छिलका लें और इसको आग पर रख कर जलाएं। जल जाने पर एहतियात से उठा लें और इसका बारीक सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ का 20वां हिस्सा लाहौरी नमक में मिलाएं। मसलन सफ़ूफ अगर 20 ग्राम है तो इसमें 1 ग्राम लाहौरी नमक मिला लें। जब खांसी का दौरा हो तो 1 चुटकी ये सफ़ूफ चाट लें। चंद बार ये अमल करने से खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हाथ से लहसुन की बदबू ख़त्म करने के लिए हाथों को स्टील के चम्मच में रगड़कर सादा पानी से धो लें। रोगन बादाम नीम गर्म करके दूध में मिलाकर पीने के चंद फ़ायदे। चक्कर आना बंद हो जाते हैं, दिमागी खुश्की दूर हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, बार बार गुस्सा आना बंद हो जाता है। अगर खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावलों और रोटी की मकदार को कम करके फलों की मकदार को बढ़ा दें। करेला खाएं, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। करेला खून को साफ करता है, खून में मौजूद फासिद मादों को ख़त्म करता है और जिस्म को क़ुव्वत बख्शता है। वज़न कम करने के लिए शलजम को काट कर नमक और काली मिर्च छिड़क दें, फिर इसमें नींबू का रस शामिल करके सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। जिन लोगों को रात को सोते वक्त बुरे ख्वाब आते हैं तो रोज़ाना सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करें, इससे कभी भी बुरे ख्वाब नहीं आएंगे और नींद भी अच्छी आएगी। खाली पेट कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, इससे दिल कमज़ोर होता है, दिल की नसें सिकुड़ जाती हैं और हार्ट अटैक का मसला होता है। सोते वक्त रात को हरीड़ का मुरब्बा 2 अदद खाने से जोड़ों का दर्द दूर होता है। गर्म दूध के साथ पानी पीने से खांसी हो जाती है। कमर का दर्द हो या पट्ठों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लें, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। शहतूत का रस पीने से बलगम ख़त्म हो जाती है। अगर किसी शख्स को सांस की तकलीफ़ हो या दमे के मर्ज़ में मुब्तला हो तो सबज चाय का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इससे सांस की तकलीफ़ में बहुत मदद मिलती है और सांस बहाल हो जाता है और सांस की नाली की सोजश ख़त्म हो जाती है। जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं वो सुस्त हो जाते हैं और इन पर मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क वसी हो और आपका रिज़्क 7 नस्लों तक पहुंच जाए तो सोने से कबल इशा की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और इसके बाद अल्लाह ताला के इस नाम मुबारक यानी या गनी यू को पढ़ने का ममूल बना लें। अगर आपको मेदे की कमज़ोरी हो जाए तो सागुदाना का इस्तेमाल करें। सागुदाना का 1 कप दूध में पका कर खाएँ, इससे आपका मैदा तंदुरुस्त रहेगा और चंद दिनों में मेदे की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। सब्ज़ कच्ची मिर्च खाने से बनाई तेज़ होती है, लेकिन वो ज़्यादा कड़वी ना हो क्योंकि कड़वी मिर्च से मुंह में जलन महसूस होगी और मैदे के लिए भी नुकसानदेह है। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है और बहुत सी पेट की बीमारियों से बचाता है। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज़ होता है और असाबी कमज़ोरी भी दूर होती है और ये नज़र को भी तेज़ करता है और चेहरे की जिल्द को भी निखारता है। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। इन औरतों को चाहिए कि वो खीरा और शिमला मिर्च का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि खीरे के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो चर्बी को पगलाता है और वज़न कम करने में मदद करता है। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मकदार नहीं बढ़ती और जो शुगर के मर्ज़ में भी बहुत मुफीद है क्योंकि जिसमें शुगर लेवल को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।